हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 के 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 4 नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, जहां बोला गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश यानी कि जो नीचे लिखा हुआ जो अपठित यानी कि जो आपने कभी पहले पढ़े नहीं है ऐसा गद्यांश आपको यहाँ पे देखना है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके उसके नीचे जो लिखे प्रश्न हैं उनके आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो चलिए एक बार आराम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस गद्यांश में क्या बोला गया है। तो स्वार्थ और परमार्थ, ये जो वर्ड है स्वार्थ यानी कि अपने ही मतलब के लिए काम करना, और परमार्थ, परमार्थ में जो वर्ड है पर यानी कि दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कोई जो काम करते हैं उसको बोलते हैं परमार्थ। तो स्वार्थ और परमार्थ ये मानव की इंसान की प्रवृत्तियाँ हैं, आदतें हैं, उनके नेचर में होता है और हम अधिकतर सभी कार्य जो है वो अपने लिए ही करते हैं। पर यानी कि दूसरों के लिए सर्वस्व यानी कि सब कुछ बलिदान करना, दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देना, यही सच्ची मानवता है, इंसानियत है, यही धर्म है और यही पुण्य है। इसे ही परोपकार कहते हैं। परोपकार मतलब कि दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, इसी को बोलते हैं परोपकार। तो प्रकृति यानी कि जो नेचर है वो हमें निरंतर यानी कि लगातार परोपकार का संदेश देती है, दूसरों का उपकार करने की, दूसरों की भलाई करने की हमको संदेशा देती है, जानकारी देती है। जैसे कि जो नदी होती है ये एक प्राकृतिक चीज़ है, ओके, नदी हमने नहीं बनाई है, प्रकृति के द्वारा देन है, भगवान ने बनाया है। तो जो नदी है वो दूसरों के लिए हमेशा बहती है। जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो मनुष्यों को यानी कि इंसानों को छाया देते हैं, फल और फूल देने के लिए ही बने हैं, बदले में उन्हें धूप भी सहना पड़ता है, आंधी, हवा, तूफान, वर्षा यानी कि बारिश और तूफान, इन सब में अपना सब कुछ बलिदान कर देना पड़ता है, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो ये नदी और वृक्ष के जरिए जो प्रकृति हमको बता रही है कि ये बदले में हमसे कुछ लेते नहीं है, पर ये हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसी पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके हमको आंसर देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि ऊपर युक्त ने कि ऊपर बताया हुआ जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी क्या होता है? हेडिंग। जैसे कि एक पार्ट होता है, चैप्टर होता है, उस चैप्टर का एक नाम होता है, हेडिंग होता है। तो इस पैराग्राफ को अगर आप कुछ चैप्टर के रूप में नाम देना चाहते हैं तो आप वो क्या नाम दे सकते हैं? तो आपको पढ़ करके समझ में आया होगा कि यहाँ पे बार बार यही बताना चाह रहा है कि दूसरों के लिए काम करो, दूसरों की भलाई के लिए सोचो, दूसरों की भलाई के लिए काम करो। तो यानी कि यहाँ पे परोपकार यानी कि दूसरों का उपकार यानी कि दूसरों की भलाई का आपको काम करना है, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना है, तो परोपकार का महत्व। ये हो गया सिंपल तरीका। अब मान लेते हैं कई लोग को जब अर्थ समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपल पैराग्राफ में पढ़ना है और सबसे ज़्यादा बार जो वर्ड रिपीट हुआ है ना, जो वर्ड रिपीट हुआ है वही आपका शीर्षक लिखेंगे तो आपको फायदेमंद होगा। ये जो तरीका है वो हमेशा काम नहीं करता है पर 90-95% टाइम काम करता है। अब यहाँ पे देखिए परोपकार ये वर्ड आया, यहाँ पे भी फिर पर यानी परोपकारी हो गया, पर यानी कि परमार्थ यानी परोपकार हो गया। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वही हमारा शीर्षक होता है। तो परोपकार और आगे लगा दो का महत्व। का महत्व तो आप हर जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया शीर्षक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये सच्ची मानवता क्या है। मानवता यानी कि इंसानियत। तो सच्ची इंसानियत क्या है? तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है सच्ची मानवता है क्या है। चलिए पीछे देखते हैं सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो कॉमा हो गया, कॉमा यानी कि इधर हो गया। अब बाकी आपका स्टार्ट होता है आंसर यहाँ से। पर यानी क्या होता है? दूसरों, मैंने बताया था। तो दूसरों के लिए सर्वस्व यानी कि सब कुछ बलिदान करना, यही सच्ची मानवता है। तो यही आपका आंसर होगा, पर के बदले लिखेंगे दूसरों। दूसरों के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। देखिए वही लिखा है, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वृक्ष जो पेड़ हैं वो हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? तो ये तो लिखा हुआ था कि वृक्ष मनुष्य को छाया तथा फल देने के लिए ही धूप, आंधी, वर्षा और तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। ये लिखेंगे कि इस तरीके से वृक्ष हमें परोपकार का संदेश देते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका थोड़ा सा घुमा करके लिखेंगे कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो धूप, आंधी, वर्षा, तूफान का सामना करने के बाद भी इंसान को या मनुष्य को छाया तथा फल देते हैं। इस तरह से वे हमें परोपकार का संदेश देते हैं। तो दोनों तीनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जरूरी नहीं कि आपको सेम रट्टा मारना है, आंसर याद करना है, नहीं, आपको वहीं से ढूंढ के और आपको आंसर लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही पैराग्राफ आएगा, इसी को गारंटी नहीं है। अपठित है, आपने कोई पढ़े नहीं हो, यही आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है,
पर नहीं भी तो आपको ढूंढते आना चाहिए, मैं वही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, सारांश यानी समरी। और सारांश या समरी का तो मैं हमेशा से मेरी कोचिंग में भी बच्चों को यही बोलता हूँ, जब भी सारांश लिखना है तो सबसे पहले कोशिश करना कि पहली लाइन तो उस पैराग्राफ की आए, यानी सेम नहीं छापना है, उसका मीनिंग उसी के थोड़े दूसरे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है, और उसी पैराग्राफ की जो सबसे आखिरी की लाइन होती है, ठीक है, ये आखिरी लाइन है ये वाली और ये वाली, ये दो लाइन अगर आए या इसी से रिलेटेड अगर कुछ आप लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग की पहली लाइन और आखिरी की एक लाइन सारांश आपको बता सकती है। देखिए यहाँ पे भी वही है, स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ के प्रवृत्ति वाले यानी कि नेचर वाले जो मनुष्य होते हैं उनका धर्म क्या होता है, उसे बोलते हैं परोपकार। यानी कि चाहे अपने मतलब के लिए काम करो चाहे दूसरों के लिए काम करो, ये दोनों ही टाइप के जो इंसान होते हैं उनका धर्म सिर्फ एक ही होना चाहिए और एक ही धर्म होता है, वो है परोपकार करना, दूसरों के लिए काम करना। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रकृति के बारे में सब बता रहा है कि वृक्ष क्या कर रहा है, ये दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। तो वैसे ही हम बताना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति जो नेचर है उसी के समान मानव का इंसान का भी कर्तव्य यही है कि वो अपना सब कुछ परहित यानी कि दूसरों के हित के लिए, पर यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना बलिदान कर देना, यही सबसे श्रेयस्कर बहुत श्रेष्ठतम सबसे ऊंचा काम है। ठीक है, तो उसी को अपने वर्ड्स में थोड़ा घुमा के लिख दिए हमने। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि जो प्रकृति जो नेचर है वो अपना जो है सब कुछ दूसरों के हित के लिए बलिदान कर देती है, तो वैसे ही मानव को भी क्या करना चाहिए, अपना सब कुछ दूसरों के भलाई के लिए बलिदान कर देना चाहिए, और यही सबसे श्रेयस्कर है, सही है, उचित है, सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसके अथवा में भी एक अपठित पद्यांश था उसको देखते हैं। तो उसके अथवा में ये एक पद्यांश दिया हुआ है, एक कविता दी हुई है, काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको नीचे कुछ ही क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर लिखना है। तो पहले चलिए इसको पढ़ते हैं। कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आज हमारे घरों में बिन दरवाजा खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उनसे हमारी दीवारें और छतें नहीं हमारी बुनियाद चरमरा रही है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए पहले कोशिश करते हैं इसके अर्थ को समझने की, कि कल हमारे कुटिया में यानी कि घर में बिना हमसे पूछे एक तूफान दाखिल हो गया था। ठीक है, तूफान तो जनरली हमारे सामने ही आता है, तो यहाँ तूफान जो वर्ड यूज़ हुआ है शायद ये आतंकवादियों के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो हमको बिना पूछे और सीधा अपने मनमर्जी से जो गुंडे लोग होते हैं आतंकवादी होते हैं वो घुस जाते हैं, और आज हमारे घरों में बिन दरवाज़ा खटखटाए ही जो चले आ रहे हैं, बिन दरवाज़ा खटखटाए यानी कि तोड़ करके वो सीधा अंदर आ जाते हैं, तो उनसे हमारी जो दीवारें घरों की और जो छतें हैं वो अब उनका जो बेस है जो बुनियाद है वो चरमरा रहा है यानी कि कमज़ोर होता चला जा रहा है। ठीक है, एक रफ एक आइडिया लग गया कि इसका अर्थ क्या है। अब देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि कल हमारी कुटिया में बिना पूछे कौन दाखिल हो जाता है, दाखिल होने यानी कि घुस के आ जाना, तो कौन दाखिल हो क्या रहा है, यहाँ देखिए तूफान दाखिल हो रहा है। तो वही यहाँ पे आंसर में कुछ समय पहले, क्योंकि आतंकवादी अभी तो नहीं है लेकिन अब से कुछ समय पहले ऐसा होता था कि कुछ समय पहले जो आतंकवादी हैं वो तूफान की तरह हमारे घरों में हमसे बिना पूछे घुस जाया करते थे, और वे हमारा सब कुछ लूट कर ले जाते थे, जो भी पैसे वगैरह जो भी धन कपड़े ये वो जो भी रहता था वो लूट करके लेकर चले जाते थे। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा है हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है, जो बुनियाद है जो बेसिक है ना, जो बेस है हमारा वो क्यों कमज़ोर हो रहा है। तो जो क्रूर आतंकवादी जो बहुत ही निर्दयी क्रूर यानी कि जिनको दया नहीं आती है, तो ऐसे आतंकवादी के उपद्रव यानी क्या होता है, जो उत्पात करते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, उनको बोलते हैं उपद्रव। तो जो ये निर्दयी आतंकवादी है उनके उपद्रव की वजह से, उनके दंगे फसाद की वजह से हमारा जो समाज है जो हमारी सोसाइटी है वो आतंकित हो गई, यानी कि आतंक से डर गई है, भयभीत हो गई है। तो इन आतंकवादियों की वजह से, उनके दंगों की वजह से हमारा पूरा समाज जो है वो भयभीत हो गया है, डर गया है उनके आतंक से, उनके इन एक्शन से। तो वही तो पूछा गया क्वेश्चन में कि हमारी बुनियाद जो बेस है वो चरमरा क्यों गई है, कमज़ोर क्यों गया, क्योंकि हम लोग डर गए हैं, हम आतंकित हो गए हैं, ये जो निर्दयी आतंकवादी है इनके कामों की वजह से हम डर गए हैं, डरने की वजह से हमारा जो बेस है वो कमज़ोर हो गया, आतंकित हो गया यानी कि भयभीत हो गए, उनके आतंक से, उनके दंगों से, उनके मारधाड़ से हम भयभीत हो गए, डर गए। तो इसलिए जो बुनियाद है, जो समाज की जो बेस है वो डर गया है, हिल गया है, कमज़ोर हो गया है। नेक्स्ट है बुनियाद चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य, यहाँ पे जो वर्ड है बुनियाद चरमराना,
इसका मतलब क्या है, कवि का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है इसके पीछे? तो आंसर है, जो बुनियाद चरमराने से कवि का तात्पर्य है कि जो समाज की व्यवस्था है, ओके, जो समाज में जो मैनेजमेंट था सब चीज़ों का, उनके जो मूल आधार जो बेस होते हैं उनके डगमगाने से है। जो हमारे समाज की जो व्यवस्था जो पहले अच्छी होती थी, अब वो डगमगा गई है, वो हिल गई है, अब वो उस तरीके की नहीं रही जो पहले होती थी, क्योंकि समाज अब डरने लग गया है, भयभीत हो गया है उन निर्दयी आतंकवादियों के आतंक से, ठीक है। इस वजह से जो बेस है हमारे समाज की व्यवस्था, अब वो डगमगा गई है, हिल गई है, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है अपने बड़े भाई को आपको पत्र लिखना है, ठीक है, उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियाँ किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं, व्यतीत यानी कि बिताना चाहते हैं। तो अपने बड़े भाई को आपको पत्र लिखना है और उन्हें बताना है कि आप गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहले राइट साइड पे और जो टॉप कॉर्नर है यानी कि ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे क्या लिखना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो राइटर है, जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है, ठीक है, यानी कि जो लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है कि एड्रेस है वार्ड नंबर 20 मान लेते हैं, अशोक नगर जबलपुर से लिखा जा रहा है। फिर आपको डेट, कौन सी डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, जिस भी दिन आप एग्जाम में ये लेटर लिखोगे वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इतना क्लियर है। तो राइट टॉप कॉर्नर पे एड्रेस, अपना एड्रेस जो लिख रहा है, ठीक है, अपना एड्रेस और फिर दिनांक लिखते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं आदरणीय भाई साहब, क्योंकि बड़े भाई साहब है तो आदरणीय तो होंगे, उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना तो बनता है। फिर सादर प्रणाम, सादर यानी कि आदर के साथ, इज्जत के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ, स आदर, स यानी कि साथ में, और आदर यानी कि इज्जत, तो इज्जत के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, कुशल यानी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, आशा है कि आप भी स आनंद होंगे, सानंद यानी कि आनंद के साथ, खुशी के साथ होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं स कुशल, क्या लिख सकते हैं, स कुशल, यानी कि आप भी ठीक होंगे। कुशल यानी क्या होता है, ठीक, खुश, मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा है, उम्मीद है, आशा यानी कि उम्मीद है कि आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। आजकल मैं परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए पत्र यानी कि लेटर लिखने में थोड़ी सी देरी हो गई है, लेट भेज रहा हूँ, इस बार लेट लेटर आपको लिख रहा हूँ। मेरी जो परीक्षा है वो 7 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ यानी कि शुरू हो जाएंगी, और 5 अप्रैल तक ही चलने वाली है मेरी एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो एग्जाम के समाप्त होते ही, खत्म होते ही विद्यालय की ओर से, स्कूल के तरफ से ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मियों की अवकाश, गर्मियों की छुट्टियों के लिए भ्रमण यानी कि घूमने का आयोजन यानी कि प्लान बनाया गया है, निश्चित किया गया है, ठीक है, यानी कि एग्जाम खत्म होंगे और स्कूल वाले हमको घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं, और भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए सभी लोग कहाँ जाएंगे, कश्मीर जाने वाले हैं, क्या बात है, तो कश्मीर जाने वाले हैं ये लोग घूमने के लिए, और इसके लिए प्रत्येक यानी कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को 2000 रुपये जमा करने हैं, ठीक है। अभी अपने बड़े भैया को खर्चा बताया ताकि उनको उनसे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, तो देखिए वही बता रहा है कि हर एक विद्यार्थी को 2000 रुपये जमा करना है। उसमें क्या क्या शामिल होगा, यात्रा यानी कि आपको लाना ले जाना होगा, आवास यानी कि वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, और भोजन यानी कि आपको खाना भी मिलेगा, भूखा तो रखेंगे नहीं, ठीक है। तो भोजन का प्रबंध यानी कि जो मैनेजमेंट है इसी में किया जाएगा। कुछ धनराशि, कुछ पैसे जो है वो स्कूल अपने तरफ से लगाएगा, ठीक है, स्कूल वाले लेके जा रहे हैं तो अपने जेब से भी वो कुछ तो भरेंगे। अब मैं इस भ्रमण में, इस घूमने में जो है जाना चाहता हूँ, कश्मीर घूमना चाहता हूँ मैं, अतः यानी कि इसलिए आप 3000 रुपये जो है वो भिजवाने की कृपा करें। देखिए उसने 1000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा मांगा है, कि वहाँ जाएगा तो अपने जेब से कुछ खर्च तो करेगा, ठीक है, तो इसलिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो 3000 रुपये भिजवाने की कृपा करें ताकि मैं रुपये जमा कर सकूँ, ठीक है। तो 2000 जमा करेगा वो और 1000 रुपये अपने जेब में रखेगा कि वहाँ कुछ खरीदना हो, कुछ खर्च करना हो तो अपने जेब से भी वो खर्च कर सके। उसके बाद अगले पैराग्राफ में यानी कि पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, घर पर माता जी जो हैं और जो पिताजी उनके चरण स्पर्श यानी कि उनके पैर छू रहा हूँ उनको बताना, भाभी जी को भी प्रणाम बोलना, ओके, जो बड़े भैया हैं उनकी जो वाइफ है भाभी जी उनको प्रणाम कर रहा है, और जो प्रिय चिन्मय है यानी कि जो भैया का बेटा होगा छोटा सा चिन्मय, उसको प्यार यानी कि उसकी बहुत याद आ रही है, उसको बहुत प्यार कर रहा हूँ, ऐसा उसको मेरा प्यार पास कर देना। आपका अनुज यानी कि अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो आपका छोटा भाई और अपना नाम यहाँ पे जो भी मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो नाम, नहीं तो कुछ भी नाम लिख सकते, यहाँ लिखा हुआ है धीरज। तो इस तरीके से आपको जो है ये लेटर लिखना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अथवा में क्या बोला गया है कि एक क्षेत्रीय अधिकारी यानी कि आपके एरिया के जो एक अधिकारी जो ऑफिसर है
जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में काम करते वहाँ के ये बड़े अधिकारी हैं, उनको आपको 10वीं बोर्ड परीक्षा जो आपने 10th बोर्ड एग्जाम दिए थे उनकी अंक सूची यानी कि जो मार्कशीट है उसकी द्वितीय प्रति यानी कि जो उसकी दूसरी कॉपी हमको चाहिए मंगाना है उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। सीधी सी बात है, आपको दूसरी अंक सूची यानी कि मार्कशीट क्यों चाहिए? जब आपकी पहली अंक सूची गुम हो जाती है तब आपको दूसरी अंक सूची यानी मार्कशीट चाहिए होती है, तभी आप लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में यही बोला गया कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो गुम हो गई है और उसकी आपको द्वितीय प्रति यानी कि दूसरी कॉपी बुलवाना है, तो उसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी को आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जब इस लेटर को लिखा जाता है तो सबसे पहले राइट टॉप कॉर्नर पर आपको यहाँ पे डेट लिखनी होती है, जिस भी तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे डेट डालेंगे। उसके बाद प्रति। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि सर प्रति क्यों लिख रहे हैं, सेवा में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो देखिए मैं बता दूं कि सेवा में लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रति लिखेंगे तो भी चलेगा। डिफरेंस समझाता हूँ। जनरली जब छोटे बच्चे या स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जब लेटर लिखते हैं तो जनरली सेवा में लिखते हैं, और जनरली लेटर कहाँ लिखा जाता है? अपने स्कूल के टीचर्स को। ठीक है, तो प्रिंसिपल को, कोई टीचर को कुछ बताना है तब सेवा में लिखते हैं। लेकिन जब किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ के वो अधिकारी या ऑफिसर हैं, तो उनके लिए प्रति यूज़ करते हैं। पर बच्चे लिख रहे हैं तो सेवा में चलेगा, सेवा में लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप ये याद रख सकते हैं, कोई अधिकारी को लिख रहे हैं, कोई बड़े ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे प्रति लिखो तो ज़्यादा अच्छा, पर सेवा में लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, तो प्रति लिखो तो ज़्यादा अच्छा। अब ये वहाँ का क्षेत्रीय अधिकारी है, ओके, और ये अधिकारी कौन सा है? सचिव। तो हम कभी भी जब हमको दूसरी मार्कशीट चाहिए तो सचिव को लिखते हैं, और ये सचिव कहाँ का है? तो सचिव है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, यहाँ लिखा हुआ है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का ये क्षेत्रीय अधिकारी यानी कि सचिव है, तो उसको आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। अब कौन से विषय पर, किस टॉपिक के लिए आप उसको लेटर लिख रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। तो अंक पत्र, अब देखिए यहाँ पे अंक पत्र लिखा है तो अंक पत्र मत लिखिए, आप अंक सूची लिखिए। अंक पत्र भी सही है पर क्वेश्चन में जब अंक सूची दिया हुआ है तो आपको अंक सूची लिखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको लिखना है अंक सूची की द्वितीय प्रति यानी कि दूसरी कॉपी भेजने के संदर्भ में, यानी कि उस टॉपिक में मैं आपको लिख रहा हूँ, संदर्भ यानी कि उस टॉपिक पे मैं आपको ये एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो है वो मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मान्यवर, मान्यवर यानी क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर, कि मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ और इज्जत के साथ आपको मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, सविनय निवेदन है, निवेदन है कि रिक्वेस्ट है, सविनय यानी कि बिल्कुल झुक करके हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी कक्षा 10th की जो अंक सूची है, जो मार्कशीट है, वो वास्तव में रियल में खो गई, गुम हो गई है। मैं ऐसे आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मेरी गुम हो गई है, सही बात है, तो वो गुम हो गई वास्तव में यानी कि रियल में गुम हो गई है। और मैंने जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, वो सन 2007 यानी कि सन यानी क्या होता है, ईयर 2007 में मैंने ये एग्ज़ाम दी थी, परीक्षा दी थी। तो कृपया करके, रिक्वेस्ट करके मुझे ये अंक सूची की द्वितीय प्रति दूसरी कॉपी जो है भेजने की कृपा करेंगे। अब सीधी सी बात है, वो फोकट में तो भेजेगा नहीं, तो इसके लिए निश्चित जो भी शुल्क है, जो आपका फीस है, शुल्क यानी जो फीस है 50 रुपये का, उसको मैं बैंक ड्राफ्ट नंबर, ये नंबर है, अब ये नंबर आप कुछ भी 5 नंबर का, 5 अंकों का लिख सकते हैं। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि ऐसे जो बड़े अफसरों को अगर हमको दूसरी कॉपी चाहिए तो बैंक जाकर के DD बनानी पड़ती है, डिमांड ड्राफ्ट, ओके, उस ड्राफ्ट का एक नंबर होता है, तो इस तरीके से हमारे पैसे उन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसके लिए जो निश्चित शुल्क है, आपका जो फीस है 50 रुपये, वो मैं इस बैंक ड्राफ्ट नंबर, इससे आपके नाम पर प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि भेज रहा हूँ, प्रेषित कर रहा हूँ यानी कि भेज रहा हूँ, आप वो देख लीजिए। अब आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आपको मार्कशीट चाहिए, नाम वाम तो बताइए, तो आपका नाम क्या है? प्रफुल्ल कुमार। अभी जरूरी क्या प्रफुल्ल कुमार, आप कोई और नाम भी ले सकते हैं। पिता का नाम क्या है? श्री संत कुमार। परीक्षा कब हुई थी? 2017 में हुई थी और ये 10वीं बोर्ड एग्जाम थी, परीक्षा हुई थी 2007 को। अब यहाँ पे देखिए गलती है, यहाँ हम उसको बता रहे कि 2007 में पेपर दिया था, तो यहाँ पे भी 2007 आपको लिखना पड़ेगा। कब हुआ था, कौन से क्लास में था? तो 10वीं बोर्ड 2007 में हमने पेपर दिए थे। परीक्षा केंद्र यानी कि कौन से स्कूल में जाकर के आपने एग्ज़ाम दिए थे? तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। परीक्षा का क्रमांक क्या था, भाई जो एग्ज़ाम हुआ उसका नंबर क्या था? तो 78432। अनुक्रमांक यानी कि जो रोल नंबर था, ठीक है, रोल नंबर था वो क्या है, वो आपका रोल नंबर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं परीक्षा क्रमांक क्या है, कि जहाँ जिस स्कूल में आपने एग्ज़ाम दिए थे उसका सेंटर नंबर क्या है, तो वो सेंटर नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर पूरा पता क्या है, क्योंकि आपको जो दूसरी कॉपी चाहिए तो वो एड्रेस पे भेजेंगे ना, तो पूरा पता क्या है, प्रफुल्ल कुमार, पुत्र किसका है, श्री संत कुमार जी का, मोहल्ला क्या है,
कोटला हाउस ग्वालियर मध्य प्रदेश। पिन कोड बताना पड़ेगा वो है 543221। आप बालाघाट के तो आपको बताना पड़ेगा 481001। ऐसे जो भी है मतलब वो हो गया। फिर संलग्न यानी कि मैं लगा करके इसी लेटर में आपको एक बैंक ड्राफ्ट भेज रहा हूँ, कितने रुपए का, 50 रुपए का, वो भी इसी में, इसी लेटर में आपको दूसरा लेटर आपको मिल जाएगा बैंक ड्राफ्ट का, ठीक है। तो ये जानकारी आपको देना है। फिर प्रार्थी, प्रार्थी यानी कि मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, जो आपको लेटर लिख रहा है वही प्रार्थी है, जो आपसे प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ सेकेंड कॉपी 10 मार्क्सशीट की भेज दीजिए। और फिर उसका नाम क्या होगा, प्रफुल्ल कुमार, क्योंकि प्रफुल्ल कुमार हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रफुल्ल कुमार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये लेटर लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैं निबंध एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हर एक निबंध की एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। कुछ समय बाद निबंध की सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर आप वहाँ से देख सकते हैं, पर फिलहाल तब तक कि आप अपना खुद का एक निबंध तैयार कर सकते हैं 120 शब्दों में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। एक और चीज़ बता दूं मैं कि निबंध आपको कितने याद करना चाहिए। आप देखिए क्लास 10th में है, तो क्लास 10th में है तो कम से कम 4 से 5 निबंध आपको याद होने चाहिए। लेकिन अगर इन 4-5 निबंध को आप याद कर लेंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है, मैं 99% श्योर हूँ कि इनमें से ही आपको जो है निबंध एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में मिलने वाला है। लेकिन अगर इस लिस्ट की बात करूँ तो इस लिस्ट में आपको कौन सा निबंध तैयार करना चाहिए, तो वो है पर्यावरण प्रदूषण का, ठीक है। ये वेरी IMP है भाई, इसको आपको बिल्कुल तैयार करना है। तो इस तरीके से हर सेट में मैं आपको एक ही निबंध बताऊंगा क्या याद करने के लिए, नहीं, हो सकता है अगले सेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हो, दो हो, तो मैं आपको दो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहला वो ऐसे पर्यावरण प्रदूषण जो कि आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, बाकी अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, क्योंकि निबंध आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर नहीं भी तो कुछ समय बाद, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सीरीज़ हैं, तो सारे एक साथ लाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, देन PNT कोचिंग क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है, PNT स्टॉक मार्केट गुरु यूट्यूब चैनल है, तो सब में टाइम लग जाता है। आप अपने साइड से भी थोड़ी सी तैयारी करते हुए चलिए। तो फिलहाल पर्यावरण प्रदूषण आप खुद से एक निबंध तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसा मेरे को उम्मीद है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 में, वो हमने पूरे खत्म कर लिए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, इसको देख करके उनके भी थोड़े से नंबर अच्छे आ जाएंगे, उनकी भी तैयारी हो जाएगी, और इस तरीके से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, थैंक यू।